नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की पाठशाला में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो टॉपिक है जाइगरनिक इफेक्ट। जाइगरनिक इफेक्ट क्या होता है और इस जाइगरनिक इफेक्ट को जानने के पहले हम ह्यूमन मोटिवेशन की बात करेंगे। यदि ह्यूमन मोटिवेशन के रिसर्चेस को देखा जाए तो ह्यूमन मोटिवेशन पर एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उनका नाम है कर्ट लेविन। और कर्ट लेविन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, नीड टेंशन थ्योरी, आवश्यकता तनाव सिद्धांत, इसको दिया था कर्ट लेविन ने। आप सोच रहे हैं कि हम तो जाइगरनिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, कर्ट लेविन की नीड टेंशन थ्योरी पर कैसे आ गए। मैं पहले नीड टेंशन थ्योरी का एक बेस बनाना चाहता हूं और बेस इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि ये थ्योरी कहीं ना कहीं प्रूव होती है जाइगरनिक इफेक्ट के द्वारा। इसलिए मैं सबसे पहले नीड टेंशन थ्योरी पर डिस्कशन करूंगा जो कि कर्ट लेविन ने दी थी। कर्ट लेविन ने कहा कि जब भी कोई आवश्यकता हम फेस करते हैं, हमारे सामने कोई आवश्यकता आती है, वो आवश्यकता फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है या साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, दैहिक हो सकती है या मनोवैज्ञानिक हो सकती है। जब भी आवश्यकता होती है, या हम इस तरीके से कहें कि जब भी आवश्यकता हमारे शरीर या हमारे मन में उत्पन्न होती है तो उसके साथ ही तनाव उत्पन्न होता है। आवश्यकता बढ़ी तो तनाव बढ़ेगा। और नीड टेंशन थ्योरी ये कहती है कि जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब धीरे धीरे ये जो तनाव उत्पन्न हुआ था वो तनाव भी कम हो जाता है। लेकिन इतनी ही बात समाप्त नहीं होती। आवश्यकता हुई, आवश्यकता के साथ तनाव हुआ, आवश्यकता जितनी अधिक होती है तनाव उतना अधिक होता है, आवश्यकता धीरे धीरे कम होती है तनाव धीरे धीरे कम होता है, और जब तनाव कम होता है तब जो उस आवश्यकता से संबंधित जो मेमोरी ट्रेसेस हैं, जो स्मृति चिन्ह हैं जो हमारे मन में बैठे हुए हैं या उससे संबंधित जो भी स्मृति है वो धीरे धीरे उस आवश्यकता के खत्म होने के साथ, तनाव के खत्म होने के साथ धीरे धीरे वो स्मृति ट्रेसेस, मेमोरी ट्रेसेस क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि हम उन मेमोरी ट्रेसेस को भूल जाते हैं। वो मेमोरी ट्रेसेस हो सकता है कहीं हमारे माइंड में होते हों लेकिन हम कॉन्शियसली उन मेमोरी ट्रेसेस को याद नहीं रख पाते। लेकिन दूसरी तरफ इस नीड टेंशन थ्योरी का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि आवश्यकता यदि पूरी नहीं हुई तो तनाव भी कम नहीं होगा, और तनाव कम नहीं हुआ तो उस आवश्यकता से संबंधित जो मेमोरी ट्रेसेस हैं, जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो भी तरोताजा रहेगी, वो क्षीण नहीं होगी। इस आवश्यकता तनाव सिद्धांत को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आज हमने किसी प्रॉब्लम को फेस किया और जैसे ही हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं हमारा माइंड तुरंत ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करना शुरू कर देता है। क्या यह जरूरी है कि उस प्रॉब्लम को हम आज ही सॉल्व कर पाएं? जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि वो आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो सॉल्व ना हो, तो कल भी हमारे साथ वही प्रॉब्लम रहेगी, फिर कल हम फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो। इस समय आप इमेजिन करिए कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी जब आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप टेंशन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? और आप इतने टेंशन में रहेंगे कि आप किसी भी दूसरे काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, केवल इस प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। आपको दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपके माइंड में केवल और केवल वही प्रॉब्लम घूम रही होगी। आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन दो तीन दिन बाद उस
प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं, और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप क्या कहते हैं, ओह मैं तो बहुत आज रिलैक्स फील कर रहा हूँ। रिलैक्स फील कर रहा हूँ का मतलब कि प्रॉब्लम जब आप फेस कर रहे थे आपको टेंशन था, और आज जब आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है तो आपका जो टेंशन था वो रिलीज हो गया है। और एक दो दिन बाद मैं आपसे पूछूं कि प्रॉब्लम जो थी उससे रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं, हो सकता है या हो सकता है नहीं, होगा यह कि जैसे जैसे टेंशन रिलीज हो गया आप प्रॉब्लम को भूलने की कोशिश करेंगे या आप भूल जाएंगे। ये कर्ट लेविन की नीड टेंशन थ्योरी है। इस आवश्यकता तनाव सिद्धांत पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किए हैं, और उन रिसर्चेज में एक बहुत बड़ा अंश बर्लिन विश्वविद्यालय के साइकोलॉजिस्ट का था। और उन्हीं बर्लिन विश्वविद्यालय के साइकोलॉजिस्ट में एक नाम आता है ब्लूमा जाइगरनिक का, और ब्लूमा जाइगरनिक जो कि कर्ट लेविन की स्टूडेंट थी, उन्होंने भी ये सोचा कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इस नीड टेंशन थ्योरी को जांचा जाए, इसको परखा जाए कि क्या कर्ट लेविन साहब ने ये नीड टेंशन थ्योरी सही दी थी। इन ब्लूमा जाइगरनिक ने एक रिसर्च किया, और वो किया था 32 सब्जेक्ट्स के ऊपर। आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट्स को हम लोग कह सकते हैं, सब्जेक्ट को पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं। 32 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक रिसर्च किया, और उन्होंने ये रिसर्च किया कि इन 32 सब्जेक्ट्स को 20 टाइप्स के काम करने को दिए गए, और उनसे कहा गया कि आप ये जो 20 काम थे वो अलग अलग तरह के थे, विभिन्न तरह के काम थे, और इन 32 स्टूडेंट को, 32 सब्जेक्ट्स को ये कहा गया कि आपको ये 20 कार्य करने हैं। और इसी प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या किया, इस 20 में से 10 टास्क ये हैं और 10 टास्क ये हैं, इन दोनों को मिलाकर होता है 20। ब्लूमा जाइगरनिक ने इस एक्सपेरिमेंट में ये ध्यान रखा कि इन 20 टास्क में से, 20 टास्क में से इन 32 सब्जेक्ट्स को 10 कार्य पूरे करने को दिए और 10 कार्य अधूरे रहने दिए। इनको अलग अलग तरह के काम दिए गए थे। एक हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब वो कोई काम कर रहे थे, एक काम पूरा हो गया, देन दूसरा काम आ गया, सेकंड काम पूरा हो गया, तीसरा काम आ गया, वो चौथा काम कर रहे थे और चौथा काम ही उनको कहा कि नहीं नहीं बस अब आधा हो गया, रहने दो, अब दूसरा काम करो, फिर पाँचवा, छठा, इस तरीके से वो काम करते जा रहे थे। तो 10 काम तो उनको पूरे करने को दिए और 10 काम उन्हें पूरे नहीं करने दिए, उनको बीच में ही रोक दिया गया। इसका परिणाम ये रहा कि बाद में उनसे पूछा गया कि आप ऐसा करें कि जो भी आपने काम किए हैं, आपने 20 काम किए हैं, 20 में से 10 ऐसे थे जिनको आपने पूरा किया है और 10 ऐसे थे कि जिनको आप पूरा नहीं कर पाए, हमने या इस रिसर्चर ने या इनकी टीम ने उन काम को करने को रोक दिया, क्या आप उन काम को फिर रिकॉल कर सकते हैं, सारे के सारे 20 काम को रिकॉल कर सकते हैं? तो लोगों ने रिकॉल किया उन 20 काम को जो उन्होंने किए थे, 10 वो काम थे जो उन्होंने पूरे किए थे और 10 वो काम थे जो उनके अधूरे छूट गए थे। ब्लूमा जाइगरनिक ने अपने रिजल्ट में ये देखा कि जिन 10 टास्क को उन लोगों ने पूरा किया था वो टास्क उनको बहुत कम याद थे, उनसे रिलेटेड मेमोरी ट्रेसेस बहुत कम थे या वो बहुत कम रिकॉल कर पाए, और दूसरी तरफ जो टास्क उन्होंने पूरे नहीं किए थे या उनको अधूरा छोड़ने के लिए कहा गया था, उनसे रिलेटेड जो मेमोरी ट्रेसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। और यदि इसका परसेंटेज देखा जाए तो परसेंटेज में ये पाया गया कि 43% ही वो टास्क याद रहा जो पूरा किया गया था, और 68% टास्क वो था जो अधूरा था उनको याद रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्लूमा जाइगरनिक ने अपना आउटकम ये दिया कि अधूरे कार्य बाद में ज़्यादा याद रखे जाते हैं, जिन कार्यों को बीच में छोड़ दिया जाता है
उनसे रिलेटेड मेमोरी ट्रेसेस हमारे मस्तिष्क में होते हैं और हम उनको फिर से ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉल कर सकते हैं। और ये अगर देखें, इस पूरी थ्योरी पर अगर देखें, तो इस ये जो ब्लूमा जाइगर ने की, इस थ्योरी ने इस नीड टेंशन थ्योरी को प्रूव किया। और प्रूव इसलिए किया कि यहाँ पर भी क्या था कि जब काम या आवश्यकता अधूरी थी, आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी, तनाव कम नहीं हुआ और उससे रिलेटेड मेमोरी ट्रेसेस बिल्कुल तरोताजा थे। यहाँ पर वो काम जो कि पूरे करने के लिए दिए गए थे उनको 43% ही रिकॉल किया गया, और वो टास्क जिनको पूरा नहीं करने दिया गया था, जिनको रोक दिया गया था, वो टास्क 68% रिकॉल किया गया। ये जो इफेक्ट, इस पूरे इफेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जाइगरनिक इफेक्ट। और जाइगरनिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था ब्लूमा ने, और नीड टेंशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था कर्ट लेविन ने। ब्लूमा जाइगरनिक के इस कॉन्सेप्ट से नीड टेंशन थ्योरी प्रूव होती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीटेड टास्क इज टू बी मोर रिकॉल्ड देन कम्प्लीटेड टास्क, कि कंप्लीट किए गए टास्क से उन टास्क को ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉल किया जा सकता है जो कार्य अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से छोड़े गए हों। जिन कार्यों को हम अधूरा छोड़ देते हैं उन कार्यों को हम बाद में ठीक ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं उनकी अपेक्षा जो कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। और यहाँ आप परसेंटेज देख सकते हैं, एक 43% एंड सेकेंड वन इज 68%, कि 100 में से 43% ही केवल वो काम याद रहे जो पूरे किए गए थे, और 68% वो काम याद रहे या उनसे रिलेटेड मेमोरी ट्रेसेस रहे जिन कार्यों को करने के लिए उन्हें रोका गया था या जिन टास्क को वो नहीं कर पाए थे। आज जाइगरनिक इफेक्ट के इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को यहीं पर विराम देते हैं, और अंत में आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से दिवाली का त्यौहार मनाएं। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।